नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रिसर्चर्स लेंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में इससे कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया ही है कि अलग अलग पॉल्यूटेंट से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटेंट हैं उनकी बीमारियाँ जो उनके थ्रू होती हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं, कई बार कोई बीमारी का नाम दे देते हैं कि किसकी वजह से होती है, ये पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं या क्या इम्पैक्ट होता है, कौन सा पार्ट किस पॉल्यूटेंट से इम्पैक्ट होता है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में दिया हुआ है इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट ह्यूमन हेल्थ, और उसके बाद वेजिटेशन और अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट करती है एयर पॉल्यूटेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं, यह लेक्चर 4 और मैं हूँ आपका मेंटर शुभम। और अगर आप यूजी नेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं बिना कोई पैसा खर्च किए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसकी वीडियो को फॉलो कीजिए, और जो भी मैं कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ और उसके अलावा जो भी मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है, ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे फॉलो कर लीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि उसके थ्रू आप आराम से अपना यूजी नेट का एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र आईडी, और ये है मेरा ट्विटर हैंडल, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे से टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप क्विजेज, PDF और अलग अलग नोट्स आपको मिलते रहें, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं और आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अच्छे लगे तो लाइक दबा के जरूर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। जो मेजर इम्पैक्ट एयर पॉल्यूटेंट्स का होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम सांस लेते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है, हम सांस लेते हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। तो जो भी इम्पैक्ट होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही होगा। बट कई बार होता है कि हम अगर धुएं में जाते हैं तो आँखों में इरीटेशन, जलन, ये सब होता है। तो कई बार कह देते हैं कि हाँ आँखों में भी इम्पैक्ट हो रहा है, स्किन पर इम्पैक्ट हो रहा है, बट जो मेजर इम्पैक्ट है वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। तो जो भी हम इम्पैक्ट को समझना चाहेंगे, जो भी मेजर इम्पैक्ट होगा या जो भी मेजर डिजीज़ होगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ही होगा। ऐसा नहीं है कि एयर पोल्यूशन से कोई अलग पार्ट आपका इम्पैक्ट हो जाए या कोई ऐसा डिजीज़ जो रेस्पिरेशन करना हो, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। बट मेजर जो डिजीज़ हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, लंग्स, इन सब रिलेटेड होते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो एयर पोल्यूशन एक बहुत ही शॉर्ट टर्म में आदमी को इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है जिसे कोई बीमारी नहीं है, तो उसके ऊपर एक शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड के अंदर एयर पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। अब जैसे कोई हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, कोई छोटे शहर में रहता है या कोई कम पॉल्यूटेड शहर में रहता है और वो दिल्ली जाता है फॉर सम वर्क, तो वहाँ उसके ऊपर अगर एक दो तीन दिन वो वहाँ रहता है तो एज इन उसको बीमारी जनरेट हो जाए, इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बट वहीं अगर एक एस्थमेटिक पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अस्थमा है या कोई सांस की बीमारी है, दमा बोलते हैं, दमा हिंदी में अस्थमा को बोलते हैं, तो ऐसा कोई बीमारी है तो उसके ऊपर उस पॉल्यूशन का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा होगा। हो सकता है उसे अस्थमा अटैक आ जाए, हो सकता है वो सांस ना ले पाए, हो सकता है उसे कोई और प्रॉब्लम हो, वहाँ सफोकेशन फील हो, ऐसी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी हो सकती हैं। बट शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एयर पॉल्यूशन बहुत छोटा, अगर एक्सपोजर का पीरियड कम है तो ऐसी की प्रॉब्लम क्रिएट करता नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है, आप तो चेन स्मोकर हैं तो हो सकता है छोटे से भी एयर पोल्यूशन आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाए। वो कैसे करेगा हम आगे बात करेंगे। एयर पोल्यूशन को अगर हम समझें कि इम्पैक्ट किस किस तरह किए हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूशन एपिसोड्स हैं, यानी कि ऐसे इंसिडेंट्स हैं जब एयर पोल्यूशन का लेवल जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो इंसिडेंट फेमस हो गया हिस्ट्री में। तो सबसे पहले एक इंसिडेंट है, वो है डोनोरा का। डोनोरा इज़ अ स्मॉल टाउन इन पेंसिल्वेनिया USA, बहुत छोटा शहर है। वहाँ 1948, इन द ईयर ऑफ 1948 वहाँ क्या हुआ कि एक स्मॉग यानी धुंध, ऐसा कंडीशन जब एक इन्वर्जन फिनोमेना होता है, जिसके बारे में आगे अगर वीडियो आएगी तो उसमें हम बात करेंगे जब हम मेटोलॉजी पढ़ेंगे, वहाँ मैं आपको पूरा समझाऊंगा इन्वर्जन कैसे होता है, लैप्स रेट क्या है, एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या है। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि एक स्मॉग जनरेट हो गया, धुंध जनरेट हो गई
और वो धुंध कई दिन रही। इसमें बताया गया कि अराउंड 20 लोगों की मौत हुई, 20 पीपल डाइड, एंड उस शहर के अंदर 14,000 के आसपास पॉपुलेशन थी जिसमें से 7,000 लोग इम्पैक्टेड हुए, यानी आधे 50% मोर देन 50% लोग कहा जाता है कि इम्पैक्ट हुए। और 10 साल तक, उस आने वाले 10 साल तक जो है वहाँ जो मोर्टेलिटी रेट है यानी मृत्यु दर जो है वो बहुत ज़्यादा रही एज़ कम्पेयर टू उसके अगल बगल वाले जो शहर हैं पेंसिल्वेनिया के, दोनों में जो मृत्यु दर है बहुत ज़्यादा रही। तो ऐसा माना था कि ये इम्पैक्ट एयर पोल्यूशन का था। फिर लंदन की हम बात करें तो 1952 के अंदर लंदन में द ग्रेट स्मॉग हुआ। आपने सुना होगा, अगर आप हिस्ट्री को फॉलो करते हैं आपने पढ़ा होगा 1952 में द ग्रेट स्मॉग लंदन के अंदर लगभग 4 से 5 दिन भयंकर धुंध छाई रही। कहा जाता है कि लगभग नहीं तो 4,000 लोग कहा गया कि डेथ हुई और 10 से 15,000 लोग इसमें इम्पैक्ट हुए, बीमार पड़े। तो ये बहुत ही बड़ा फिगर था, बहुत ज़्यादा लोगों का। बल्कि बाद में गवर्नमेंट जब रिपोर्ट्स आई, रिसर्च हुई, तो उसमें कहा गया कि 10,000 से 12,000 तक लोग मरे, तो बहुत बड़ा नंबर था ये। इस तरीके से देखा गया कि वो इस लास्ट टाइम अगर एक्सपोजर हुआ पोल्यूशन का तो लोग इस तरह इम्पैक्ट हो जाते हैं। फिर न्यूयॉर्क के अंदर हुआ 1966 में न्यूयॉर्क में एक स्मॉग हुआ, ये लगभग 2 या 3 दिन रहा। इसमें भी सेम कंडीशन हुई, बट यहाँ पर उस समय गवर्नमेंट ने कोई डेथ रिपोर्ट नहीं की थी, बट बाद में कहा गया लगभग 168 कैजुअल्टीज़ यहाँ पर हुई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे। और ये 1966 वाला न्यूयॉर्क का थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद ही द गवर्नमेंट ऑफ US ने क्लीन एयर एक्ट पास किया। इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई कि शुद्ध हवा भी बहुत ज़रूरी है। तो ये समझ में आदमी को तभी आता है जब उसको उस चीज़ की कमी होती है, उसकी इम्पोर्टेंस आदमी को तभी पता चलती है, तो यहाँ उन्हें पता चली। तो इंडिया में इंसिडेंट जो हुआ 1948 में द फेमस भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये हुई थी यूनियन कार्बाइड की जो एक कंपनी थी उनके फर्टिलाइज़र प्लांट था उनका, वहाँ लीक हुई थी। कौन सी गैस लीक हुई थी अगर आप कमेंट सेक्शन में बताना चाहें तो बताइएगा, मैं तो आपको बताऊँगा ही। जो गैस लीक हुई थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी और 5 लाख लोग इम्पैक्ट हुए थे एक ही रात में। 5 लाख एक बहुत बड़ा नंबर होता है। उन तक ये गैस पहुंची जिसमें कहा गया कि एटलीस्ट जो गवर्नमेंट के फिगर्स थे वो थे 3787 लोगों को गवर्नमेंट ने कहा कि डेथ हुई। बट क्लेम किया गया है कई रिपोर्ट्स में और कई राइटर्स द्वारा कई न्यूज़ आर्टिकल्स में क्लेम किया गया लगभग ये फिगर 15,000 से 16,000 तक गया। और लगभग मैंने जैसा बताया 5 लाख लोग इम्पैक्ट हुए, 5 लाख लोगों को सीवियर बर्न, आईज इरिटेशंस और कई सारे उन्हें बहुत ज़्यादा इश्यूज उन्हें हुए। तो ये इसके बाद गवर्नमेंट थोड़ी सतर्क हुई, कई सारे एक्ट उसके बाद आए रिगार्डिंग एनवायरनमेंट एंड एयर एंड बहुत सारी चीज़ें। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद थोड़ा सा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा तो ये चीज़ों को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया। तो वही है कि अगर अब एक साथ एक्सपोजर ज़्यादा होगा, कंसनट्रेशन ऑफ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू का एक्सपोजर लेवल बहुत कम है, कंसनट्रेशन बहुत कम है, तो उन पॉल्यूटेंट का इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं दिखता है ऑन अ हेल्दी ह्यूमन बींग। तो अगर इसी को अगर स्टडी करने के लिए US और यूरोप में कई सारी स्टडीज़ अंडरटेकन की गई, जो लॉन्ग टर्म स्टडीज़ थी जो क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन को देखना चाहती थी। अब इंडिया में भी कई सारी स्टडीज़ हो रही हैं, ऐसा कि इंडिया में नहीं है, बट US एंड यूरोप में उस टाइम से अराउंड जब ये सब सीरीज़ हुई स्मॉग की और कई लोग जब मरे तो लोगों को लगा कि हाँ इस पर भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, ये स्टडी करना चाहिए। तो स्टडीज़ हुई दुनिया अब चल रही हैं, स्टडीज़ हो भी रही हैं, होती हैं उनके, आप अगर आप चाहते हैं तो गूगल स्कॉलर पर आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा। तो मेनली हमारा जो पार्ट इम्पैक्ट होता है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम।
हम इसमें मेनली देखेंगे जो भी हम एयर पार्टिकल्स हम अपने अंदर इनहेल करते हैं वो करते हैं थ्रू नोज एंड माउथ। ये हमारे मेजर पार्ट हैं जहाँ से हम इनहेल करते हैं, और जो कुछ भी हम इनहेल करते हैं वो हमारे लंग्स तक पहुँचता है। और थ्रू जब मैं यहाँ पे बायोलॉजी क्लास स्टार्ट नहीं करना चाहता, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जो भी एयर पार्टिकल्स हैं हमारे ब्रोंकाई के अंदर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बोलते हैं सीलिया। ये ब्रोंकाई है, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया। सीलिया का काम क्या होता है, जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, डेब्रिस है, जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स आपने इनहेल कर लिया है उसको ब्लॉक करता है, और विद म्यूकस या तो बाहर निकालता है द फॉर्म ऑफ म्यूकस, वो उसको यहाँ से म्यूकस सिक्रेट होता है, उसके साथ वो मिक्स होकर बाहर जाते हैं। तो ये हमारे एल्वियोलाई तक, एल्वियोलाई क्या है, इज अ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन जो है हमारे हीमोग्लोबिन से मिलती है एंड CO2 एक्सहेल आउट हो जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचने देता। अब जो रेस्पिरेबल पार्टिकल्स हैं, जो रेस्पिरेबल पार्टिकल यानी कि 10 माइक्रोमीटर से जिनका साइज कम है, वो रेस्पिरेबल पार्टिकल्स सीलिया को पेनिट्रेट कर जाते हैं, वो उसे नहीं रोक पाता और वो हमारे एल्वियोलाई तक पहुँच जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है, इनका डिकम्पोजिशन, ओ सॉरी डिपोजिशन डिपोजिशन हो जाता है, यानी कि ये जमा होते रहते हैं हमारे एल्वियोलाई के ऊपर। जब इनका कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो धीरे धीरे एल्वियोलाई को ये चोक कर देते हैं। चोक मतलब एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब इसका फंक्शन को उतना कम कर देंगे, और धीरे धीरे जो वॉल्यूम ऑफ लंग वॉल्यूम है हमारा, जो जितने एयर हम एक बार में जो एक्सचेंज हो सकता था वो कम होता रहेगा, और धीरे धीरे ये एल्वियोलाई को डैमेज कर देते हैं। वहीं जो जो स्मोकिंग, अगर आप कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू स्मोक रहते हैं या फिर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो आपके सीलिया जो है, सीलिया के ऊपर ये ऐसा इम्पेक्ट करता है कि उनको पैरालाइज कर देती हैं स्मोकिंग। तब जबकि ये सीलिया पैरालाइज हो जाएंगे तो ये फिर से कोई भी पोल्यूटेंट पार्टिकल्स को रोक नहीं पाएंगे, एंड अगेन वो एल्वियोलाई तक पहुँचेंगे, वहाँ वो डिपॉजिट हो जाएंगे, और फिर वो उसको आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को वीक करेंगे। तो इस तरीके से इम्पेक्ट होता है सारा, और कौन कौन से पोल्यूटेंट कैसे कैसे इम्पेक्ट करते हैं वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है। कैसे बनती है, अगर आप इसको देखेंगे इसके फॉर्मेशन की बात, तो जब कम्बशन होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है और उसके बाद कम्बशन कंटिन्यू होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। सिंपल में मैं आपको बता दिया, इसके क्वेश्चन वगैरह आप समझ जाते हैं तो हम आगे आएंगे वीडियो में तो बात करेंगे। तो कितना कार्बन मोनोऑक्साइड हमने इनहेल किया है, इफेक्ट कितना ज़्यादा होगा, तो इसे डिपेंड करता है कितना हमने CO इनहेल किया है और कितना क्वांटिटी हमारे हीमोग्लोबिन से बाउंड हो गई है। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र होती है वो होती है एज इन अ फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2। ये एक सेमी स्टेबल स्टेज है, बहुत स्टेबल स्टेज नहीं है, बहुत ज़्यादा सेमी स्टेबल कंपाउंड बनता है ये HbO2। अब जब हम CO को इनहेल करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं, तो ये हमारे ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ये इसको रिड्यूस कर देती है। कैसे रिड्यूस करती है, ये हीमोग्लोबिन से मिल जाती है। अब हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड एफिनिटी मिलने की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो फॉर्म करता है वो करता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन HbCO। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो एक स्टेबल कंपाउंड है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और जैसा कि आप जानते हैं लॉ ऑफ नेचर की, हर चीज स्टेबल होने की तरफ भागती है, तो एज कम्पेयर टू HbO2 कार्बन कार्बोक्सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो ये इजीली फॉर्म हो जाता है। अब जो HbCO हीमोग्लोबिन से टाई अप हो गया है, मतलब हीमोग्लोबिन से जो भी HbCO की तरह कार्बन मोनोऑक्साइड टाई हो गया, वो दोबारा से रीजनरेट नहीं होगा। हीमोग्लोबिन एक बार CO के साथ मिल गया। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, मेनली जो HbO2 है वो जब O2 रेस्पिरेशन का सेल ले लेता है तो HB अलग हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन अलग हो गया, वो दोबारा लंग में जाता है, दोबारा ऑक्सीजन पकड़ता है, फिर वापस सेल के पास जाता है, वहाँ से फिर रेस्पिरेशन में वो O2 ख़त्म होता है, फिर ये निकलता है, फिर जाता है। तो इस तरह का प्रोसेस जो है
ये जब HBCO बन गया तो ये रुक गया, अब सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अब जब सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा पॉइजनस हो पॉइजन हो जाएगा, मतलब वो काम करना बंद कर देगा और धीरे धीरे ये हमारे ऊपर इम्पैक्ट करेगा। अभी कैसे इम्पैक्ट करता है, मान लीजिए कि कंसनट्रेशन ऑफ HBCO आपकी बॉडी के अंदर लेस देन 1% है, जब लेस देन 1% कंसनट्रेशन है तो आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, आप बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जहाँ ये 1 से 2% हुआ तब आपको होगा थोड़ा सा बिहेवियर परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट, आप देखेंगे आपकी हरकतें थोड़ी सी बदलने लगेंगी, हो सकता है चक्कर सा आने लगे, या जैसे नशे में आदमी करता है ना हरकतें, उस टाइप की थोड़ी हरकतें होने लगती हैं। जब ये कंसंट्रेशन 2 से 5% होता है, समझिएगा ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 5% कंसंट्रेशन के अंदर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। आप समय के अंदर फर्क नहीं कर पाएंगे, आपके लिए 2 घंटा 2 मिनट के बराबर लगेगा, 2 मिनट 2 घंटे के बराबर लगेगा, ऐसा भांग खा के हो जाता है आमतौर पर, ऐसा मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है बट जो मैंने सुना है। फिर आपको धुंधला दिखने लगेगा, आप रोशनी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब ज़्यादा ब्राइट कम ब्राइट में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे, और साइकोमोटर फंक्शन जैसे शराब पी के आमतौर पर आदमी करते हैं कि उनके अपने हाथ पैरों पर वो नहीं रहता और कंट्रोल नहीं रहता, साइकोमोटर फंक्शंस आपके इम्पैक्ट हो जाएंगे। फिर मेनली है कि 5 से 10% जब कंसनट्रेशन हो जाएगा तब आपके कार्डियक यानी हार्ट और लंग पल्मोनरी मतलब लंग्स इनके फंक्शन के ऊपर इम्पैक्ट करने लगेगा, आपको सांस नहीं आएगी, आपका दिल तेज़ी धड़कने लगेगा, आपको प्रॉब्लम फेस होने लगेगी। और जहाँ 10% से आगे बढ़ा वहाँ होने शुरू हो जाएगी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, आपको सीवियर हेडेक होगा, आपको फटीग हो सकता है, आपको डाउजीनेस हो सकता है, आप कोमा में जा सकते हैं, आपको रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, और एंड में नाम नाम सत्य है। तो ये 80% जब पहुंच जाता है मान लीजिए तो फिर मुसीबत हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि कमरे में अंगीठी रख के सो गए, लोगों की मौत, पूरा परिवार ख़त्म, ऐसी न्यूज आती रहती हैं ठंड के मौसम में जब लोग अंगीठी लगाते हैं। तो कभी भी बंद कमरे के अंदर आप आग ना चलाएं, चला के ना सोएं, अंगीठी कोयला इत्यादि लगा के ना सोएं। तो मेनली जो डेथ होती है वो होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ होती नहीं है, धीरे ख़त्म हो जाती है कमरे की ऑक्सीजन, फिर CO2 कम्बोशन में यूज होने लगता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और उसके बाद अगले दिन आपकी फोटो अखबार में आ जाती है। तो ऐसी गलती ना करें, कार्बन मोनोऑक्साइड से बचें। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कंसनट्रेशन थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा कि किस कंसनट्रेशन में फैटल हो जाता है, वह है 10 से 80%, यानी 10% अगर ऊपर चला गया कार्बन मोनोऑक्साइड तो वो आपके लिए फैटल है, मतलब आपकी मौत हो सकती है। तो जैसे मैंने बताया कि एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर CO इज मोर देन फॉर मोलिकुलर ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन की जो चाहत है, मैं कहूँ अगर आपको लेमन लैंग्वेज में, कि चाहत है वो CO के लिए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अगर उसे CO मिलेगा तो वो CO से चिपकेगा, ऑक्सीजन से नहीं चिपकेगा, क्योंकि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो CO के साथ ज़्यादा होती है। HBCO की स्टेबिलिटी HbO2 के साथ से कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन बनती है कि द पर्सन ब्रीदिंग अ मिक्सचर ऑफ CO एंड ऑक्सीजन विल कैरी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, जो कि हम दे सकते हैं HbCO डिवाइड बाई HbO2 इज इक्वल टू एम। एम जो है कॉन्स्टेंट है, जिसकी वैल्यू 200 से 250 के बीच रेंज करती है फॉर ह्यूमन ब्लड, और PCO जो है वो है हमारा पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड PO2 पार्शियल प्रेशर फॉर O2। तो इसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है, एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है द एस्टिमेट द सेचुरेशन वैल्यू ऑफ HbCO इन द ब्लड इफ द CO कंटेंट इन द एयर ब्रीथेज इज 100 ppm, अज्यूम दैट CO इन द ब्लड इज एट इक्विलिब्रियम। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, स्पीच सॉल्यूशन। तो फिलहाल आप सॉल्व कीजिए, देखिए आप ये आंसर निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर बात है इम्पोर्टेंट कि पार्टिकुलेट मैटर कैसे इम्पैक्ट करता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्टिकुलेट मैटर है जो रेस्पिरेबल पार्टिकुलेट मैटर है जो 10 माइक्रोमीटर से कम साइज में है, वो क्या करेगा, हमारे सीलिया से बच के, सीलिया जो हमारे मेनली जो पोलिटेंट्स को ब्लॉक करता है, वहाँ से बच के हमारे एल्वियोलाई तक पहुँचेगा और वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा।
अब जब एलवेलर तक पहुंच गया, उसका डिपोजिशन वहां हो गया, तो वहां से निकालने का उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहां कोई सीलिया प्रेजेंट है नहीं, एल्वोलाई के अंदर सीलिया नहीं होता, तो वहां से नहीं निकल सकता। और वो वहाँ डिपॉजिट रहता है और वो परमानेंटली वहीं डिपॉजिट हो जाता है, वहां से नहीं निकलेगा। और धीरे धीरे जब उसका कंसर्न बढ़ने लगता है तब वहां शुरू होती हैं प्रॉब्लम्स। कैसी प्रॉब्लम्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इज लंग कैंसर। वो वहां रहेगा, इरिटेशन क्रिएट करेगा। इरिटेशन मतलब जब आपके आपको नहीं मालूम पड़ेगा बट बॉडी को तो मालूम पड़ रहा है ऑयल लेके वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, वो म्यूकस रिलीज करती रहेगी, वहाँ बार बार म्यूकस रिलीज होता रहेगा। इस तरीके से प्रॉब्लम्स आप फेस करने लगेंगे, धीरे धीरे वो लंग कैंसर में बदल जाता है। फिर एक ब्लैक लंग डिजीज़ है। ब्लैक लंग डिजीज़ में क्या है कि बहुत ज़्यादा डिपोजिशन जब हो जाता था, वो माइनर्स में बहुत ज़्यादा देखा गया, जो कोयले खदान वगैरह में काम करते हैं, तो वहाँ ये प्रॉब्लम देखी गई। फिर है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ COPD। ये इशू क्या होता है इसमें, जब इरिटेशन, वही मैंने आपको बताया इरिटेशन कॉज होती है इन एल्वियोलाई, तब सीलिया म्यूकस रिलीज करना शुरू करता है। अभी म्यूकस रिलीज करते करते इतना ज़्यादा म्यूकस रिलीज करता है कि ब्लॉकिंग क्रिएट हो जाती है। देन ब्लॉकिंग की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर धीरे धीरे जो वॉल्यूम है, हमारी सांस लेने क्षमता है, वो कम हो जाती है, लोगों को फिर ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। तो एक इशू है यहाँ पर जो COPD में होता है। फिर एक एम्फिसीमा है, ये भी एक COPD का फॉर्म है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस एक स्पेसिफिकली एस्बेस्टोस जो एक पार्टिकुलेट सब्सटेंस है जो मेनली सीमेंट में आप देखेंगे, उसकी इन्हेलेशन की वजह से होता है। इसमें क्या है, सूजन हो जाती है लंग्स के अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कफिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपको, एलर्जी टाइप की आपको लगेगी। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही नीडल शेप होता है एस्बेस्टोस का, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड COPD में थोड़ा डिफरेंस करना डिफिकल्ट होता है, लगभग दोनों एक जैसी ही बीमारी हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा कफिंग और म्यूकस जनरेशन पहुँचाता होता है, तो ये आपको प्रॉब्लम करती है। तो मोटा मोटा मैंने बताया है, बट डेटा डिटेल में नहीं गया हूँ मैं इनके, क्योंकि जाने की जरूरत भी नहीं है। तो डिटेल में आपसे बीमारी के बारे में डिटेल नहीं पूछते हैं, कौन सी बीमारी होती है वो डिटेल पूछते हैं। तो अब याद रखिएगा, COPD जो है एक पार्टिकुलर मेटेरियल से होती है, ब्लैक लंग डिजीज़ होता है, एम्फिसीमा होता है, एस्बेस्टोसिस होता है, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये मेन बीमारियां हैं जो पार्टिकुलेट मैटर की वजह से होती हैं। फिर बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो पोल्यूटेंट्स हैं, वह सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ओजोन की। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, एज इन ऐसे कोई बीमारी तो क्रिएट नहीं करता है, बट वो सीलियल जो सीलियाज हैं हमारे उनके बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट करता है, उनकी जो ऑक्सीलेटिंग कैपेसिटी है उसको डिक्रीज कर देता है। अब जब सीलिया हमारे इम्पैक्ट हो गया तो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म खराब हो गया, और जब प्रोटेक्शन मैकेनिज्म खराब हो गया तो हमें और चीज़ें पोल्यूटेंट जैसे पार्टिकुलेट मैटर ये सब ये इम्पैक्ट करने लगेंगे। तो इस तरीके से सल्फर हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है, जिनको बीमारी वो अलग से क्रिएट नहीं करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक पल्मोनरी इरिटेंट है, पल्मोनरी इरिटेंट मतलब हमारी लंग्स के अंदर इरिटेशन सा डेवलप करता है। आज इन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इसी से आप देखेंगे लाफिंग गैस भी बनती है, तो ऐसा कोई बड़ी इशू नहीं है। बट ये पल्मोनरी एडिमा करके एक प्रॉब्लम होती है, जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अगर आप एक्सपोज हो जाए, क्योंकि इतना नहीं होता है आमतौर पर, कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसी किसी कंपनी में काम कर रहा है जहाँ NO2 रिलीज हो रही है ऐसा कुछ, तो उसको पल्मोनरी एडिमा, एक फ्लूइड एक्युमुलेशन लंग टिश्यू में अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है उसमें, तो ये बीमारी हो सकती है। ओजोन की बात करें, ओजोन थोड़ा खतरनाक है इस केस में। ओजोन एक हाई इरिटेटिंग ऑक्सीडेशन गैस है, फ्यू पार्ट्स पर मिलियन अगर कंसंट्रेशन में ओजोन आपके लंग्स के अंदर चली जाए तो आपको पल्मोनरी कंजेशन, कंजेशन मतलब कि जो कहते हैं ना खिंचाव, सॉरी जाम हो जाता है गला पूरा आपका, कंजेशन टाइप का हो सकता है, डीमा हो सकता है, पल्मोनरी हेमरेज हो सकता है आपको, ये सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। एक घंटे का एक्सपोजर भी अगर आप 2500 ग्राम पर मीटर क्यूब का ले लें तो आपकी लंग की जो इफेक्टिव वॉल्यूम है उसको बहुत डिक्रीज कर सकता है, और ब्रीदिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज कर देता है। ड्राई थ्रोट एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो ओजोन में देखा गया है।
फिर हम बात करेंगे हजारडस एयर पोल्यूटेंट की, कुछ ऐसे पोल्यूटेंट जो बहुत ज़्यादा हजारडस इंडस्ट्रियल में रिलीज बहुत ज़्यादा होते हैं। आर्सेनिक की बात करें, आर्सेनिक में मीजोथीलियोमा एक चीज़ है। आर्सेनिक और उसके कंपाउंड अगर आप इनहेल कर लेते हैं तो मीजोथीलियोमा डिजीज़ आपको हो सकता है। ये कैंसर है मरून लाइनिंग का, ये कुछ इस तरह दिखता है, काफ़ी भयावह है। इसमें क्या होता है, जो आपकी लाइनिंग है, आउटर लाइनिंग, लंग्स की आउटर लाइनिंग है, उसके ऊपर ये कैंसर क्रिएट होता है। उसको ये ख़राब करने लगता है, अलग अलग मॉडल सेल जनरेशन उसके ऊपर हो जाता है और धीरे धीरे आदमी की इसमें मौत भी हो सकती है। तो ये एक आर्सेनिक की वजह से हो सकता है। दूसरा है मरकरी, अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाई ले लें तो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इफेक्ट कर सकता है ये, और अल्सरेशन क्रिएट कर सकता है म्यूकस मेम्ब्रेन में। एस्बेस्टोस में हमने आपको बताया था, एस्बेस्टोसिस बीमारी हो जाती है, और एस्बेस्टोसिस का बिगड़ा हुआ रूप भी कह सकते हैं आप मीजोथेलियोमा है। बाद में ये जाके मीजोथेलियोमा भी क्रिएट कर सकता है, कैंसर भी क्रिएट कर सकता है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोस ट्यूमर भी क्रिएट करता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स छोटे छोटे बन सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर एस्बेस्टोस का अगर ज़्यादा मात्रा आपके अंदर चली जाए। और बेंजीन आप इनहेल करेंगे तो कार्सिनोजेनिक है, आपको कैंसर क्रिएट कर सकता है। बेरिलियम कंपाउंड सेवर एक सीवर ऑक्सीडेंट है जो ओजोन करता है, वही बेरिलियम भी आपके अंदर कर सकता है। फिर क्लोराइड अगर आप इनहेल करते हैं तो क्लोरोसिस करके बीमारी है वो आपको हो सकती है। इसमें ये बोन के अंदर इकट्ठी हो जाती है और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट क्रिएट करती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट्स और उनके होने वाले डिजीजेस। जो डिजीज़ के नाम हैं आप उनको याद कीजिए, बाकी चीज़ें बस समझने के लिए आप रखिएगा, हो सकता है कभी से इंटरव्यू में आपसे पूछ लें तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इग्नोर मत कीजिए, देखिए कोई भी चीज़ इग्नोर करेंगे तो वो महंगी पड़ जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं सब कुछ कवर इसलिए करूँगा सिलेबस में, सिलेबस में से टॉपिक दिया होता है उसके अंदर आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आप यहाँ छोड़ देंगे कल को इंटरव्यू में कोई पकड़ लेगा आपको ये क्वेश्चन लेके, तो पढ़ते रहिए, नोट्स बना लीजिए, इन चीज़ों को याद कर लीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार याद हो जाते हैं तो हो ही जाते हैं। तो यही है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन हैं, कमेंट हैं, सजेशन है, आप प्लीज़ मुझे बताइए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहीं आपको सारे क्विज और नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। अभी नहीं करा पा रहा हूँ बट जल्दी मैं उसमें पढ़ा आपको नोट्स और क्विज अवेलेबल कराऊंगा। स्टडी मटेरियल हमारे ब्लॉग पर आपको मिल जाएगा, थोड़ा समय लगेगा आने में बट हाँ मिल जाएगा। चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। बाकी तो आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।